अस्सलामुअलैकुम। उमिकरा, उमिकरा जापानी लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि फ्रॉम द सी, समंदर से जो भी चीज़ निकलती है उसको ये लोग बोलते हैं उमिकरा। इसमें मछली, सी फूड और खाने की जो भी, जिस किस्म का भी सी फूड समंदर से बरामद होता है उसको ये लोग उमिकरा बोलते हैं, मतलब समंदर से। यहाँ पे एक बे टाइप समंदर है, समंदर का एक एज है, यहाँ से ये मछलियाँ पकड़ते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है जो इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे मछलियाँ, सी फूड और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पकड़ के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। पानी के कंटेनर इन्होंने बना रखे हैं और वहाँ से ये ऑन डिमांड जिसको जो चाहिए उसको उसी वक्त फ्रेश बना के देते हैं। क्योंकि ये स्टोर शहर से थोड़ा हटके है इसलिए यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की रोज़मर्रा की चीज़ें ये भी यहाँ पे इन्होंने रखी हैं और सस्ती हैं, अच्छे रेट्स पे रखी हैं, मुनासिब रेट्स पे। तो यहाँ पे ये कंटेनर हैं, साइड पे इन्होंने बना के लगा रखे हैं यहाँ पे पानी में। समंदर से जो भी चीज़ सी फूड पकड़ते हैं, मछली, मुख्तलिफ़ किस्म की ईका जो इनकी वो फेवरेट डिश है वो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और जो कस्टमर कहता है उसको यहाँ से पकड़ के निकाल के और फ्रेश बना के देते हैं। ये ईका फिश है जो ये बच्ची की डिमांड पे इन्होंने निकाली है और इसको ये फ्रेश यहीं पे बना के देंगे। इनके पास किचन, पीछे किचन है साथ ही, वहाँ पे सबके सामने ये कटिंग करके बना के और जो जिसको चाहिए होता है उसी हिसाब से बना के देते हैं। ये है वो फिश जिसमें से एक वो लेके गया है और हमसे तो ये नहीं खाई जाती लेकिन जापानीज़ बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी मछलियाँ हैं, फिश हैं जो मैंने तो पहली दफ़ा देखी है, हालांकि इतना अर्सा जापान में है, लेकिन ये तो खैर सुर में ही कहते हैं पाकिस्तान में, ये वो फिश थी। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या अजीब सी फिश है, ये भी ये लोग खाते हैं, हमसे तो देख के ही अजीब सी फीलिंग होती है। और ये धारीदार मछली जिसे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और अजीब अजीब किस्म की फिशेज हैं यहाँ पे। ये श्रिम्प्स हैं जो हम तो बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे हर उम्र की मछली है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और अजीब अजीब किस्म की किस्में हैं इसमें और बड़ी खूबसूरत किस्म की मछलियाँ हैं, बेशुमार इसकी किस्में हैं मछलियों की ना। लेकिन देखा जाए तो मछली जापानीज़ की जो लंबी उम्र का राज है वो यही है कि ये लोग सी फूड बेशुमार खाते हैं और इनकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। हर उसमें इनके सूप में फ़िश का इस्तेमाल है, खाने में, और मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जापानी एक दिन में मछली एक दिन ना खाए तो सेकंड डे उसको उदासी हो जाती है। मेरी बेगम भी इसी तरह ही है, एक दिन मछली ना खाए तो सेकंड डे कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये वैसे तो सी फूड मार्केट है, कम स्टोर, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साइड पे एक पोर्शन में, एक साइड पे ये स्टोर है और एक पोर्शन में रेस्टोरेंट है। ये उसकी वेंडिंग मशीन लगी है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है जो आपने खाना खाना है, सामने मेन्यू भी है, यहाँ से टिकट लें
और रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे आप वो टिकट देंगे जो आपने खाने के लिए लिया है काउंटर पे, काउंटर से फिर ये लोग आपको यहीं पे बना के फ्रेश जो आपने बनवाना है बना के, सामने किचन है और सब कुछ ओपन है और बहुत नीट एंड क्लीन, जो चाहे सामने से देख सकता है इसको ना, कोई उसमें वो नहीं है और बहुत साफ सुथरा किचन है। जैसा कि इसके नाम से ही है उमिकरा, समुंदर से, तो रेस्टोरेंट से बाहर समुंदर का नज़ारा भी है और बहुत खूबसूरत है। जब टिकट हमने दे दिया उनको, जब हमारा नंबर आएगा तो ये वाली बेल रिंग करेगी कि आप आके अपना खाना ले जाइए। और हमारा खाना तैयार। मैंने थिम्परा लिया है, थिम्परा बोलते हैं पकौड़ों को, जो वेजिटेबल के उसको फ्राई किया होता है, और साथ में ये छोटा सा पिकल्स है, खीरे, और इनका मशहूर है ज़माना मिसो सूप। देखने पे इनमें इनका जो खाना है एक मील है, बहुत मुख्तसर सा लगता है, थोड़ा कम लगता है लेकिन काम पूरा करता है। खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेट में कोई जी बहुत ज़्यादा खा लिया। ये आप देखें, सब्ज़ी है, ये बैंगन है नट्स जिसको बोलते हैं, और ये सब्ज़ मिर्च, और एक फ़िश का पीस, ये फुल फ़िश के दो फिले किए हैं इन्होंने, एक ये है और एक ये है, ये फ़िश है और नीचे राइस बॉल, बॉल में राइस है जो इनके जैपनीज राइस होते हैं। ये एक पत्ता है सलाद का जिसको उन्होंने वैसे ये तो खूबसूरती के लिए रखा हुआ है फ्राई करके, और राइस इनके जैपनीज राइस इतने ही खा लें तो काफ़ी है। ये जैसा कि खीरा, और ये भी बैंगन का वो अचार सा बनाया हुआ, और ये है सूप। ये इंटरेस्टिंग है, ये फिश है, साशिमी बोलते हैं इसको, कच्ची फिश, नमा फिश बोलते हैं, और ये वो भी रखा हुआ है श्रिप, और इसके साथ सॉस देते हैं और सूप। और अब इसको खाना, मेरे ख्याल में हमारे कंट्रीज में 90% लोग जो है ना ये नहीं खा सकते इस तरह, जिस तरह ये है। ये श्रिप की गर्दन से पकड़ के इसको सूप में, सॉस में डिप करके खाया जाता है, और ये इसी तरह खाया जाता है। ये बेगम साहिबा ने मंगाया था, लेकिन ये खाने के, ये एक ऐसी मील है जिस तरह हम अपने कंट्रीज में कह लो कि पाए या इस किस्म का कोई कुश्ता मुश्ता खाते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत हेल्दी, ये बहुत हेल्दी फूड। तो ये था जी आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।